नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW वाराणसी ने निकाली रिक्तियां। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW वाराणसी ने ट्रेड अप्रेंटिस के 374 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए ट्रेड्स को भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत फीटर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड निकाली गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिक और ITI की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.blw.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक में जाकर ले सकते हैं। बिहार के मौसम में बदलाव। राज्य भर में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी की ओर से चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे उत्तर बिहार में काफी मात्रा में नमी आ रही है, जिससे कि इस इलाके में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जबकि बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में खासा बदलाव नहीं होगा। वहीं दिन में धूप कड़ी होती जा रही है और हवा में भी पहले की तरह कनकनी नहीं है। मौसम में आए बदलाव के कारण अगले हफ्ते 3 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी हो सकती है। से दिन में गर्मी का एहसास होगा, हालांकि शाम और रात में हल्की ठंड बनी रहेगी। राजधानी पटना और गया जिले में कुछ देर तक सुबह में कोहरा छाया रहा, मगर धूप निकलने के बाद मौसम साफ हो गया। सरस्वती पूजा में इस बार DJ पर रहेगी पूर्णता रोक। राजधानी पटना में सरस्वती पूजा पर DJ बजाने को लेकर पूर्णता पाबंदी रहेगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए नगर निगम पटना को निर्देश दिया है, जिसके तहत मूर्ति को गंगा नदी में विसर्जित करने पर भी रोक लगी है। मूर्ति का विसर्जन कृत्रिम तालाब में करने का निर्देश दिया गया है। वहीं किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। इसके तहत यह भी निर्देश दिया गया है कि पूजा के अगले दिन यानी कि 17 फरवरी को ही मूर्ति का विसर्जन करना होगा। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों को COVID-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए पूजा का आयोजन करने की अनुमति दी गई है। DM चंद्रशेखर सिंह ने सभी SDO, DSP और थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने, जुलूस का रूट तय करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे PM मोदी से मुलाकात। CM नीतीश कुमार अपने दिल्ली यात्रा के दौरान आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इससे पहले बीती शाम उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। यह बैठक अमित शाह के आवास पर आयोजित की गई थी। इस दौरान विकास कार्यों पर तीनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर सूत्रों के अनुसार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज नीतीश कुमार PM मोदी से केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में JDU की आनुपातिक हिस्सेदारी को लेकर बात कर सकते हैं। PM मोदी से उनकी यह मुलाकात खास होने वाली है, क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार PM से मिलने वाले हैं। इस दौरान बिहार के विकास संबंधी मुद्दों के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने का अनुमान है। राजधानी पटना के गांधी घाट पर फिर से शुरू होगी गंगा आरती। पटना के गांधी गंगा घाट पर कोरोना के कारण लंबे समय से गंगा आरती को बंद कर दिया गया था, जिसे अब फिर से शुरू किया जाएगा। अब फिर से नवनियुक्त पर्यटन मंत्री ने पदभार संभालते हुए पर्यटकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए कई योजनाओं को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पटना के गांधी गंगा घाट पर गंगा आरती को शुरू किया जाएगा। साथ ही पर्यटकों को गंगा नदी की सैर कराने के लिए MV विहार जहाज को भी चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही मंत्री ने बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रचार प्रसार करने तथा होटलों और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने पर भी जोर दिया, जिसके तहत पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर उनका विकास किया जाएगा। वैक्सीनेशन के मामले में बिहार आया पहले स्थान पर। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में बिहार नंबर 1 आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे संबंधित एक आंकड़ा जारी किया है, जिसके अनुसार वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड कुल स्वास्थ्य कर्मियों में 60% से अधिक का लक्ष्य देश के 13 राज्यों ने प्राप्त कर लिया है, जिसमें से बिहार ने 78.1% लक्ष्य पूरा करके कोरोना वैक्सीनेशन में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं त्रिपुरा 77.1% टीकाकरण के साथ दूसरे पायदान पर है, जबकि मध्य प्रदेश ने 76% टीकाकरण के साथ इस रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने के बाद दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी युद्ध स्तर से वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे आचार्य रामलोचन सरन के बारे में। आचार्य रामलोचन सरन का जन्म आज ही के दिन बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था। आचार्य रामलोचन सरन हिंदी के साहित्यकार, व्याकरण और प्रकाशक थे। उन्होंने 1915 में लहेरिया सराय में एक प्रकाशन उद्यम पुष्पक भंडार की स्थापना की और 1929 में अपने प्रकाशन कार्यालय पटना चले गए। उन्होंने कई पत्रिकाओं की स्थापना की, जिसमें बालक पत्रिका, जिसकी स्थापना उन्होंने 1926 में शुरू की थी, हिमालय, जिसकी स्थापना उन्होंने 1946 में शुरू की थी,
और होनहार जो कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, इसकी स्थापना उन्होंने 1939 में की थी। खनन विभाग मंत्री के नाराज होने पर बूके लेकर पहुंचे प्रधान सचिव। बिहार सरकार के नए खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम पदभार ग्रहण करने के बाद जब अपने विभाग कार्यालय में पहुंचे और प्रधान सचिव के मौजूद नहीं रहने पर उन्हें चपरासी के हाथों बूके लेकर बैठना पड़ा, जिसके बाद से ही वे मंत्री नाराज चल रहे थे और इस बात की शिकायत सीएम से करने की भी बात कही। मगर अब विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर इस बात की जानकारी मिलने पर खुद ही मंत्री जनक राम से मिलने पहुंची और उनका स्वागत किया। प्रधान सचिव पर समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होने का आरोप लगा था, जिस पर कार्यालय ने सफाई दिया था कि मंत्री से प्रधान सचिव ने पहले ही मुलाकात कर लिया था, लेकिन पूर्व सूचना नहीं मिलने पर हरजोत कौर स्वागत समारोह में नहीं पहुंच सकी। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए विभाग ने दो कर्मियों को भी निलंबित किया है। पीएमसीएच के 53 छात्रों को गोल्ड मेडल से किया जाएगा सम्मानित। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 96वें स्थापना दिवस पर 25 फरवरी को छोटे स्तर पर कॉलेज ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएमसीएच के कुछ डॉक्टरों को सम्मानित किया जाएगा, जिसके बाद कॉलेज के 53 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। गोल्ड मेडल पाने वाले मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी, चिकित्सक और एक नर्सिंग छात्रा का नाम शामिल है। इस आयोजन को लेकर पटना मेडिकल कॉलेज एल्यूमनाई एसोसिएशन ने जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेज एल्यूमनाई के लिए एक गेस्ट हाउस बनाने, डायग्नोस्टिक लैब और लेबोरेटरी मेडिसिन विभाग खुलवाने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर पार्टी नेता ने ही लगाए गंभीर आरोप। बिहार भाजपा की अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि संजय जायसवाल ने पैसे लेकर अपने जाति के नेताओं को मंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को सिर्फ अपनी जाति के लोग नजर आते हैं। मोतिहारी बेतिया में अपनी जाति के लोग को ही मंत्री क्यों बनाया गया? क्या हम उस लायक नहीं थे? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा कोटे के 57% मंत्री गंभीर मामलों में संलिप्त आरोपी है। इतना ही नहीं, विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने इन बातों को पीएम मोदी तक ले जाने की बात कही और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से इस्तीफा देने की मांग की है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की पटना में बैठक। 9 दिवसीय दौरे पर बिहार आए सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बीते दिन संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक 2 सत्रों तक चला, जिसमें पहले सत्र में आरएसएस के दक्षिण बिहार प्रांत कार्यकारिणी के साथ बातचीत हुई, जबकि दूसरे सत्र में संघ की प्रेरणा से चलने वाली गतिविधियों के प्रांत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पर्यावरण की उपयोगिता पर जोर देते हुए सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें। इसके तहत सिर्फ एक बार उपयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक के उपयोग को छोड़ने का भी आह्वान किया। इस मौके पर राम मंदिर से संबंधित विशेषांक का भी लोकार्पण किया गया। वाटर क्राइसिस पर प्रोजेक्ट बनाकर मुजफ्फरपुर की जाह्नवी ने राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान। मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव गन्नीपुर के रहने वाले जाह्नवी ने राज्य का नाम रोशन किया है। इसका चयन इंस्पायर्ड अवार्ड मानक प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। जाह्नवी ने ग्लोबल वाटर क्राइसिस पर प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों ने अपनी सहमति दी है। आपको बता दें कि जाह्नवी केंद्रीय विद्यालय गन्नीपुर की 10वीं की छात्रा है और उसके प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने ₹10,000 पुरस्कार के रूप में दिए। जाह्नवी ने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके मुताबिक जहां पानी की कमी है वहां ऐसी फसल की खेती की जाए जो जल को लंबे समय तक अवशोषित कर मिट्टी की नमी को बनाए रखे, जिससे उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। बिहार लौटते ही मुख्यमंत्री लगाएंगे राज्यपाल मनोनयन के 12 सदस्यों के नाम पर ठप्पा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी दिल्ली यात्रा से लौटने के बाद ही एमएलसी के लिए राज्यपाल मनोनयन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। राज्यपाल द्वारा 12 सीटों पर एमएलसी का मनोनयन किया जाएगा। इसके लिए जदयू और बीजेपी के बीच इन 12 सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। इसमें से 6 सीटें जदयू के खाते में और बाकी की 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। आपको बता दें कि राज्यपाल ने अभी अपने कोटे से एमएलसी को मनोनीत नहीं किया है। इसके बावजूद भी बीजेपी ने अपने नए 9 मंत्रियों में से एक को बिना किसी सदन की सदस्यता के ही मंत्री पद की शपथ दिला दी है, जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम को जल्द ही राज्यपाल कोटे से विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाएगा। साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि 19 फरवरी बजट सत्र से पहले इन 12 सीटों पर एमएलसी चुन लिए जाएंगे। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बिहार टीम की हुई घोषणा। घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। बीसीए ने 9 फरवरी को लिए गए अपने ओपन ट्रायल के बाद मुख्य टीम की घोषणा की है, जिसमें 22 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। टीम के कप्तान आशुतोष अमन को बनाया गया है। आपको बता दें कि कैप्टन आशुतोष अमन ने पिछले दिनों सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में भी शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं बाबुल कुमार को उप कप्तान बनाया गया है। बता दें कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज 20 फरवरी से होगा, जिसमें बिहार अपना पहला मुकाबला 20 फरवरी को ही रेलवे टीम के साथ खेलेगी।
मिस फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता मानसा वाराणसी ने। बीते दिन फेमिना मिस इंडिया की तरफ से इंस्टाग्राम अकाउंट में VLCC टॉप 3 विनर्स का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 23 वर्षीय मानसा वाराणसी ने VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर मानसा की तस्वीरें वायरल होने भी शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि फेमिना मिस इंडिया 2020 के ग्रैंड फिनाले में तेलंगाना की मानसा ने मिस इंडिया का खिताब जीता था। वहीं मान्या सिंह और मनिका शियोकांत फर्स्ट और सेकंड रनर अप भी रही थी। आपको बता दें कि इस सूची में टॉप 5 लिस्ट में खुशी मिश्रा, मान्या सिंह, मानसा, रितु हुलजी और मनिका शियोकांत का नाम शामिल है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार राजद की तरफ से बंगाल में 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला भाजपा को नुकसान पहुंचाने में सफल साबित हो पाएगा या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट